फतेहपुर नामक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें विजू, उसकी गरीब माँ और शराबी पिता रहता था। विजू के पिता के शराब पीने के आदत की वजह से उसके परिवार को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। विजू का पिता कुछ काम नहीं करता और दिन भर शराब पीते बैठता, और इसी वजह से वो घर में कुछ लाकर भी नहीं देता था और ऊपर से अपनी पत्नी और बेटे को परेशान करता रहता था। इसी वजह से विजू की माँ को घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। इसीलिए उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती और अपने घर का खर्चा चलाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका शराबी पिता उससे वो पैसे भी छीन लेता। ए चल, तेरे पास जितने पैसे हैं मुझे दे दे, मुझे शराब पीनी है। अरे ये कैसे इंसान हो तुम? एक तो तुम्हें परिवार की कोई फिक्र नहीं है और ऊपर से जो कुछ मैं कमाती हूँ वो भी तुम हमसे छीन लेते हो। अरे अपने बेटे की तो कुछ फिक्र करो, दिन भर शराब में डूबे रहते हो। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की पढ़ाई रुक गई है। मेरा बेटा इतना पढ़ाई लिखाई में अच्छा है। विजू पढ़ाई में बहुत होशियार था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत मन था। दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देख वो अपनी माँ से बोलता, माँ मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ माँ। बेटे मैं भी चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन तेरे पिता की वजह से तेरे पढ़ाई लिखाई पर पानी फिर गया और तुझसे तेरा बचपन छीन लिया गया। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे पढ़ा नहीं सकती। मेरी अकेली के काम से सिर्फ घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। अपने मजबूर माँ की परेशानी विजू से देखी नहीं जाती। घर की तंगी और माँ की परेशानी देखकर आखिरकार विजू ने पढ़ाई लिखाई करने का ख्वाब अपने मन से निकाल दिया और उसने ठान लिया कि अब वो भी कुछ काम धंधा करेगा और अपने माँ की मदद करेगा। फिर वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ मैं भी कुछ काम करके पैसे कमाऊंगा। उस पर उसकी माँ कहती है, बेटे अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तो तेरे खेलने कूदने के दिन है, तू क्या काम करेगा बेटा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विजू का जन्मदिन आया। अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर विजू के माँ ने उसके मन पसंद पानी पूरी उसे बनाकर खिलाने की सोची, और जैसे तैसे विजू के माँ ने कुछ पैसे जोड़कर घर पर ही अपने बेटे की मनपसंद पानी पूरी बनाई। विजू ने जब अपने घर में पानी पूरी देखी तो वो खुशी से झूम उठा। अरे वाह, माँ अपने अपने हाथों से मेरे लिए पानी पूरी बनाई है। हाँ बेटा, आज तेरे जन्मदिन पर मैंने अपने हाथों से तेरे मनपसंद पानी पूरी बनाई है, ले खा, देख कैसी बनी है। हाँ माँ अभी खाता हूँ। वाह माँ, तेरी हाथों में तो जादू है माँ, इतनी टेस्टी और इतनी बढ़िया पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। अपने बेटे की खुशी देखकर विजू की माँ भी बहुत खुश हो गई। माँ के हाथ की बनी पानी पूरी खाकर विजू सोच में पड़ गया, माँ तो इतनी टेस्टी पानी पूरी बनाती है, अगर हम पानी पूरी बनाकर बेचेंगे तो हम बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फिर वो अपनी माँ से जाकर बोलता है, माँ माँ इधर आओ माँ, तुम तो इतनी बढ़िया पानी पूरी बनाती हो, तुम हर रोज मुझे पानी पूरी बनाकर दो और हर रोज मैं ठेले पर उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। पर बेटा तू ये कैसे करेगा, अभी तो तू इतना छोटा है, क्या फायदा मेरा। अगर मैं आपकी मदद ना कर सकूं, गांव में खाने पीने की वस्तुएं बहुत चलती है, हम भी कुछ करके देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा विचार है, हम आज से ही तैयारी शुरू करते हैं। हाँ मैं कल से ही पानी पूरी बेचना शुरू करूंगा। फिर वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक मोमोज बेचने वाला भी होता है। फिर वो उसी के बाजू में अपना पानी पूरी का ठेला लगाता है। उस दिन से हर रोज विजू के माँ पानी पूरी बनाती और विजू उसे बाजार में जाकर बेचता। वो बहुत ही लगन और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा था, ऊपर से दाम भी इतना कम था कि हर कोई गरीब भी उसे खा सकता। सिर्फ 10 रुपए प्लेट के हिसाब से वो पानी पूरी बेचने लगा। पानी पूरी के खुशबू से ही लोग दौड़े चले आने लगे और उसकी पानी पूरी खाकर वे उसकी बहुत तारीफ करते। अरे वाह विजू, क्या पानी पूरी है यार, आज तो मजा ही आ गया।
वाह, और मुझे और एक प्लेट देना। वाह, तेरा तीखा पानी तो बहुत बढ़िया है। पानी पूरी खाकर तो मजे ही आ गए। कोई गरीब भिखारी मजबूरी के कारण पानी पूरी खरीद नहीं सकता तो विजू उसे मुफ्त में ही पानी पूरी दे देता था, क्योंकि वो उसकी मजबूरी समझ सकता था। दिन ब दिन उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और वो अच्छा मुनाफा कमाने लगा। इस तरह से देखते ही देखते उसके दिन बदलने लगे। विजू अच्छे खासे पैसे कमाकर घर का गुजारा करने लगा और उनकी परिस्थिति में सुधार आने लगा। ये सब देखकर विजू की माँ बहुत खुश होती गई। विजू की पानी पूरी बिकती जा रही थी और लोग उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। ये सब बाजू के ठेले पर मोमोज बेचने वाला गंगू देख रहा था और मन ही मन वो विजू से जल रहा था, क्योंकि विजू की पानी पूरी की वजह से मोमोज वाले की मोमोज पर सिर्फ मक्खियां ही बैठ रही थी। फिर वो खुद ही लोगों को चिल्लाकर बुलाने लगा, अरे गांव वालों, आओ आओ, देखो कितने स्वादिष्ट मोमोज बने हैं, गर्मा गर्म मोमोज। लेकिन कोई भी उसके मोमोज खाने नहीं जा रहा था और इस वजह से वो परेशान हो गया। जब से ये विजू के बच्चे ने पानी पूरी का ठेला लगाया है, मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। कुछ करना पड़ेगा इस चूजे का। लेकिन विजू की सफलता देखकर उसके शराबी पिता की नीयत फिर गई। फिर वो विजू के ठेले पर जाकर उससे शराब पीने के पैसे मांगने लगा। ए चल, आज तेरी जितनी भी कमाई है मुझे दे दे। विजू पैसे देने को मना कर देता है तो उसका पिता उस पर चिल्लाता है, अपने बाप को मना करता है। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। ये सब देखकर विजू के माँ गुस्से में दौड़ते हुए वहाँ पर आती है और उसके पिता से बोलती है, आज तक तुमने मेरे बेटे के लिए किया ही क्या है और आज उसे किस हक से पैसे मांग रहे हो? एक तो तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बचपन में ही काम करने लगा, जहाँ उसके खेलने कूदने के दिन है उसे काम करना पड़ रहा है, और ऊपर से शर्म आनी चाहिए तुम्हें पैसे मांगते हुए। एक तो तुमने हमें कभी फूटी कौड़ी भी नहीं दी और अब किस हक से पैसे मांग रहे हो? किस तरह के बाप हो तुम? अपने बेटे को शाबाशी देने की बजाय उसे यहाँ पे आकर परेशान कर रहे हो, और हुलिया देखा है अपना, दिन भर शराब की नशे में पड़े रहते हो। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के ग्राहक भाग जाएंगे, आइंदा से ठेले पर मत आया करो, चलो जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर उसका पिता गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो अपनी पत्नी को मारने के लिए जाता है। मेरे से जुबान लड़ाती है, मुझे पैसे के लिए मना करती है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ये सब देखकर विजू दौड़ते हुए आता है, रुक जाओ पिताजी, मैं सब कुछ सहन सकता हूँ, लेकिन माँ को हाथ लगाया तो ये मैं सहन नहीं करूँगा। अब निकल जाओ यहाँ से। बाप को इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना आइंदा यहाँ दिखाई मत देना। विजू की बात सुनकर उसका पिता गुस्से में बोलता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो गुस्से से निकल जाता है। ये सारी बात बाजू के मोमोज के ठेले वाला गंगू देख रहा था। फिर वो कुछ सोच रहा था और मन ही मन बोलने लगा, अब मैं समझ गया किस विजू के बच्चे का धंधा कैसे चौपट करना है। यदि मैं इस विजू पानी पूरी वाले की दुकान बंद करवा दूं, तभी ही मेरे मोमोज की दुकान चलेगी। उसने शराबी पिता को अपने पास बुलाया, सुनो भाई, इधर आओ, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बीवी तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें हर रोज शराब के लिए पैसे दूंगा और इस तरह से तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। अगर मेरे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, सोच लो। ये सुनकर उसके शराबी पिता में लालच आ जाता है और वो तुरंत उसे हाँ बोलता है। क्या करना है बोलो, मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा और वो दवाई की बोतल तुम्हें उसके पानी पूरी में मिलानी होगी, हमारा काम हो जाएगा। फिर वो वैसा ही करता है। दूसरे ही दिन सुबह उसकी माँ जब पानी पूरी बनाती है, तब चुपके से रसोई में जाकर वो दवाई पानी में मिला देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो पानी पूरी लेकर विजू बाजार चला जाता है और हर रोज की तरह पानी पूरी बेचता है। पानी पूरी खाते ही कुछ देर बाद लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और उन्हें उल्टियाँ शुरू हो जाती है, तब सब लोग परेशान हो जाते हैं।
ये सब देखकर विजू परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ग्राहकों के साथ क्या हो रहा है। ये सब देखकर बाजू में खड़ा गंगू मोमोज वाला मन ही मन खुश हो रहा होता है। मुझसे कॉम्पिटिशन करोगे, अब देखो क्या होता है। तब सभी लोग परेशान होकर विजू के पानीपुरी के ठेले के पास जमा हो जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं कि पानीपुरी खाकर लोगों की तबीयत कैसे बिगड़ रही है। तभी उसका शराबी पिता वहां आता है और वो दवाई की बोतल उन्हें दिखाता है और सारा इल्जाम वो विजू पर डाल देता है। ये देखो, ये विजू आप लोगों को मारना चाहता है ये दवाई खिलाकर। ये देखो ये दवाई की बोतल। और झूठ बोलता है कि विजू ने ये दवाई पानीपुरी में मिलाकर लोगों की तबीयत बिगाड़ने की कोशिश की है। ये सुनकर गांव वाले विजू पर भड़क जाते हैं और वो विजू का पानीपुरी का ठेला बंद करवा देते हैं। ये सब देखकर विजू की माँ और विजू बहुत रोने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि हमने तो इतनी ईमानदारी से अपना काम किया है और ये हमारे साथ क्या हो गया। और उन्हें ऐसी हालत में देखकर विजू का शराबी पिता बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसने अपना बदला ले लिया। दोस्तों, इंसान कामयाब होने के लिए दुनिया से तो लड़ लेगा, लेकिन अपनों से कैसे लड़ेगा? इंसान अक्सर अपनों से ही तो हार जाता है। अपने वो होते हैं जो मुसीबत में गैरों का साथ कभी नहीं लेते। एक बड़े से होटल में एक लड़का आता है। शायद उसे भूख लगी थी और वो कुछ खाना चाहता था, लेकिन उसके हुलिये से वो बहुत गरीब दिख रहा था। इसीलिए उसके फटे पुराने कपड़े देखकर वहाँ पर लोग उसे दूर खड़े कर रहे थे। उसे क्या चाहिए, खाना चाहिए क्या? बेचारे को कोई वहाँ पर पूछ भी नहीं रहा था। वो लड़का उस चमचमाती होटल को निहार रहा था। वो देख रहा था कि कैसे खाना खाने के बाद लोग टेबल पर पैसे रखकर यानी टिप रखकर जा रहे हैं। पहली बार इस बड़ी सी होटल में आने वाले गरीब बच्चे को इन अमीरों के टिप देने के तौर तरीके क्या पता। फिर वो खुद ही एक टेबल पर जाकर बैठ गया। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं। उन लोगों को जल्दी से टेबल पर बिठाने के लिए एक वेटर झट से वहां आता है और उस गरीब लड़के को हाथ पकड़कर वहां से उठा देता है और बोलता है, ए लड़के उठ यहां से, पागल कहीं का, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। ऐसा कहकर वो वेटर उन अमीर लोगों को सर्विस देने में जुट जाता है। फिर वो लड़का वहां से उठकर एक दूसरी टेबल पर जाकर बैठता है जहां पर एक औरत खाना खा रही होती है। तभी उस औरत की नज़र उस गरीब पर पड़ती है। उसे देखकर वो खाने पर से उठ जाती है और गुस्से से चिल्लाने लगती है, ई वेटर वेटर इधर आओ जल्दी, ये कैसे कैसे लोग आ रहे हैं तुम्हारे होटल में। इसे देखकर तो खाने का पूरा मूड ही चला गया। ऐसा बोलकर वहां से उठ रही होती है। ये सब देखकर होटल का मालिक गुस्से में वेटर पर चिल्लाता है और उस लड़के को वहां से उठाने के लिए बोलता है। वेटर गुस्से में उस बेचारे गरीब लड़के को पकड़कर घसीटते हुए एक कोने में लेकर आता है और उसे बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस अमीर औरत के बाजू में बैठने की? हुलिया देखा है क्या अपना? यहाँ पर अमीर लोग आते हैं। यहाँ बैठने के लिए ढंग के कपड़े पहनना जरूरी है। इन लोगों के बीच बैठने की औकात नहीं है तेरी। चुपचाप यहाँ पे कोने में बैठ और जब तक मैं ना पूछूं तब तक अंदर मत आना। ऐसा बोलकर वेटर उस लड़के को एक कोने में बिठा देता है। बहुत देर हो जाती है। वो बेचारा लड़का वहीं पे उस वेटर का इंतजार करते हुए बैठा रहता है। होटल में आने जाने वाले अमीर लोग उस लड़के को होटल के दरवाजे पर बैठा देख उसे एक अलग ही नजर से देख रहे थे। ये सब देखकर होटल का मालिक सोचता है, इस भिखारी को होटल में देख के कहीं मेरे कस्टमर वापस न चले जाए। ये सोचते हुए होटल मालिक वेटर को इशारे से बुलाता है और उसे बोलता है, जल्दी से इस भिखारी को क्या चाहिए वो देख और उसे भगा दे यहाँ से, नहीं तो हमारे कस्टमर चले जाएंगे।
ऐसा बोलते ही वेटर तुरंत उस बच्चे के पास जाता है और उसे बोलता है, ए लड़के बता जल्दी क्या चाहिए। वहाँ अंदर होटल में उन आमिर लोगों की सर्विस करूँ या इस भिखारी की, कैसी मुसीबत है। तभी जल्दी से वो लड़का वेटर को बोलता है, साहब दो बर्गर चाहिए। ऐसा बोलते हुए वेटर को वो लड़का दो बर्गर का ऑर्डर देता है। फिर वो वेटर जल्दी से जाकर उसे दो बर्गर लाकर देता है और फिर वो गरीब लड़का उन दो बर्गर के पैसे भी उस वेटर को देता है और वो लड़का एक बर्गर वहीं पे खा लेता है और दूसरा बर्गर अपने झोले में डालकर वहाँ से निकल जाता है। फिर थोड़े समय बाद वेटर वहाँ की पड़ी हुई थाली उठाने आता है और वो वेटर देखता है तो वहाँ पे उसे 10 रुपए का नोट दिखाई देता है। वो सोचता है, यहाँ पे वो लड़का बैठा था और यहाँ पे 10 रुपए का नोट किसने रखा। तब उसे पता चलता है कि ये 10 रुपए का नोट उस गरीब लड़के ने टिप के तौर पर वहाँ पे रखा है। ये देखते ही वेटर की आंखें नम हो जाती है। वेटर मन ही मन सोचता है, जिस लड़के को मैंने गरीब भिखारी समझकर इतना भला बुरा कहा, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, न जाने मैंने उससे कितनी गलत बातें कही है, जिसे गरीब समझकर होटल से बाहर ढकेल दिया। आज वो बच्चा इस होटल में टिप छोड़कर चला गया। फिर उसे ढूंढने के लिए वेटर जल्दी से बाहर जाता है, लेकिन वेटर को वो लड़का दिखाई नहीं देता। फिर वेटर थोड़ा आगे जाकर उसे इधर उधर चारों तरफ ढूंढता है तो उसे दिखता है वो लड़का एक बर्गर एक छोटी बच्ची को दे रहा है जो उसकी छोटी बहन है, जो कड़ी धूप में बैठकर कुछ बेच रही है। फिर वो वेटर उनके पास जाकर चुपके से उनकी बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि आज उस बच्ची का जन्मदिन है। ले छोटी ये बर्गर खा, तेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी ना कि तुझे भी आमिरों जैसा बर्गर खाना है, देख मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, ये ले। बर्गर देखते ही उसकी छोटी बहन बहुत खुश हो जाती है और उससे बोलती है, अरे वाह भैया आपने मेरे लिए बर्गर लाया, कितने दिनों से मुझे बर्गर खाने का मन हो रहा था। उस दिन से मुझे बर्गर खाने का मन हो रहा था जिस दिन मैंने उन आमिर बच्चों को बर्गर खाते हुए देखा था। अच्छा किया मेरे जन्मदिन पर आप मेरे लिए बर्गर लेके आए। अपनी बहन की खुशी देखकर वो लड़का खुश हो गया और मुस्कुराने लगा। फिर वो छोटी बच्ची उसके भाई से पूछती है, लेकिन भैया आप उन अमीरों के बड़ी होटल में कैसे गए, वहाँ पर तो बहुत पैसे लगते होंगे ना। अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर वो लड़का अपनी बहन से बोलता है, अरे तो तूने तेरे भाई को कम समझा है क्या, मेरी बहन तो लाखों में एक है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बर्गर क्या चीज़ है। ये सब देखकर उस वेटर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, क्योंकि जिस लड़के को वो भिखारी समझ रहा था, गरीब समझ रहा था, जिसके साथ उसने और होटल के कई लोगों ने जानवरों जैसा बर्ताव किया, उसका दिल कितना बड़ा है जो अपनी बहन के लिए उसका मनपसंद बर्गर खिलाने के लिए इतनी तकलीफें उठा रहा है। जिसके कपड़ों को देखकर उसे गरीब समझा वो दिल से कितना अमीर है। कभी कभी हम जो देखते हैं वही सच्चाई नहीं होती। वो लड़का गरीब जरूर था लेकिन मुफ्त का खाने नहीं आया था, बस वो गरीबी और अपने हालातों से मजबूर था और ऊपर से वो वहाँ पर टिप देकर चला गया क्योंकि उसे लगा इस बड़ी सी होटल में खाना है तो यहाँ पर टिप देना ज़रूरी है। इसीलिए अगर हम किसी की परेशानी समझ नहीं सकते तो उसे कम समझकर तकलीफ भी नहीं देनी चाहिए। वो अपने बहन को बड़ी सी होटल में लाकर बर्गर खिलाना चाहता था लेकिन वो हालातों से मजबूर था, लेकिन उसे अपने बहन को उसका मनपसंद बर्गर खिलाने की बहुत तमन्ना थी, इसीलिए वो कई दिनों से कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा था ताकि
उसके जन्मदिन पर वो उसे उसका मनपसंद बर्गर खिला सके। लेकिन एक छोटी सी खुशी पाने के लिए उसे इतनी सारी तकलीफें उठानी पड़ी। ये समाज इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा ये उसे पता नहीं था। इंसान को उसके पैसों से और उसके हुलिये से जज करने वाले लोग बहुत है इस दुनिया में, पर किसी की मजबूरी और नीयत देखकर जज करने वाले लोग बहुत कम हैं।